जिनके विचार अपने काबू में होते हैं, जरा सोचिए वो कितने सुखी रहेंगे। एड्स, काला पीलिया, बहुत सी बीमारियां ऑटोमेटिकली उनको नहीं होंगी, क्योंकि उनके विचार अपने काबू में हैं। और विचारों को काबू करने के लिए सत्संग से बढ़ के कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। सत्संग एक स्कूल है, सत्संग एक कॉलेज है, यहां रूहानियत की, सूफियत की, असलियत की, अमलियत की बात सुनाई जाती है, यहां पाठ पढ़ाया जाता है, यहां इंसान बनाया जाता है। और फैक्ट्रीज होती हैं, वहां तरह तरह की गाड़ियां बनती हैं, कहीं कपड़ा लत्ता बनता है, कहीं सोना चांदी हीरे जवाहरात तराशे जाते हैं। पर सत्संग एक ऐसा स्कूल, ऐसा कारखाना होता है, यहां इंसान तराशे जाते हैं, यहां इंसानों को बनाया जाता है। इसलिए सत्संग में आइए, सत्संग सुनिए, और सत्संग सुन के अगर आप अमल करेंगे तो यकीनन प्रभु की प्राप्ति होगी और जीते जी जिंदगी में बहार छा जाएगी। स्कूल कॉलेज में बच्चे दुनियावी शिक्षा सीखते हैं, दुनियावी पढ़ाई करते हैं, पर सत्संग में भगवान तक कैसे जाएंगे, भगवान को कैसे पाएंगे, यह सिखाया जाता है। सत्संग क्यों जरूरी माना गया? घर गृहस्थ में रहता आदमी, घर परिवार में रहता आदमी भगवान से बहुत दूर हो जाता है। उसे काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया घेरे रखते हैं, वो बर्बाद होता रहता है, परेशान होता रहता है। इन सब परेशानियों से मुक्ति हासिल करने के लिए सत्संग होते हैं। आप आइए, सत्संग सुनिए, आपके तमाम गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप मालिक की प्राप्ति की तरफ बढ़ने लगेंगे। अगर आप गम, चिंता, परेशानियों से आजाद हो जाते हैं, अगर आपको बेगमपुर शहर की बादशाहत मिल जाती है, तो आपसे सुखी दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो सत्संग में आना अति जरूरी है। कलयुग में तरह तरह के विचार लोगों के दिलो दिमाग को बर्बाद कर रहे हैं, बुरे विचार नाश कर रहे हैं इंसानियत का, खात्मा कर रहे हैं इंसानियत का। सत्संग में आओगे तो उन बुरे विचारों का खात्मा होगा, सत्संग में आओगे इंसानियत जिंदा होगी। सत्संग में ही पता चलता है इंसानियत किसे कहते हैं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहें और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।